नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। कौसाम्बी में छाया घना कोहरा, स्कूलों में ठंड के कारण घटी बच्चों की संख्या, फसलों को होगा नुकसान। यूपी के कौसाम्बी जिले में साल का पहला घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड की दस्तक के साथ ही कोहरे की घनी चादर चारों ओर फैल गई है। कोहरे से सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। परसदी स्कूल में बच्चों की संख्या ठंड के कारण घट गई है। वहीं सरसों को नुकसान तो गेहूं के लिए कोहरा सोने पर सुहागा साबित होगा। ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हल्की हल्की ठंडी हवा पर ठिठुरन से बचने के लिए चाय की दुकानों में चाय की चुस्की लेते लोग देखे जा रहे हैं। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया है। गाड़ी के ड्राइवरों को सड़क पर वाहन चलाने से भारी परेशानी हो रही है। ठंड में स्कूल की बसें जो तेज रफ्तार से दौड़ती नजर आती थी, उसका भी गति धीमी हो गई है। विभिन्न स्कूलों में सर्दी के कारण छात्रों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे खासकर परसदी स्कूलों में छात्रों की संख्या में कमी आई है। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। फायदा क्या नुकसान है? लगता है कि फूल जो सरसों के हैं, वो सरसों के फूल जो है सब खराब हो जाएंगे, और गेहूं की खेती है वो ठंडी के लिए ठीक है। ठंडी जितनी पड़ेगी उतनी गेहूँ पैदावार होगा, और आने जाने वाले आदमियों को ठंडी बहुत महसूस होती है कोहरे से। आपका नाम? विजय कुमार। हाईवे है, हाईवे में ट्रकें किस तरह जा रही हैं? सर, ये साल का पहला कोहरा है, जिसकी वजह से हाईवे पे जो गाड़ियां चल रही हैं स्लो चल रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो लोगों की इस बात की कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल खुला है, उन्हें सुबह आने जाने में दिक्कत है। अब इतना सुबह तैयार होकर आने जाने में उनको दिक्कत हो रही है, और एक कोहरे की वजह से दुकानदार जो बेचारे सुबह से बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है उनका। अभी तक कोई दुकानदार का एक भी ग्राहक नहीं आया है। और ये कोहरे की वजह से चौराहे चौराहे पे अलाव लगाना चाहिए सरकार को, जिससे यात्री जो आ जा रहे हैं उनको हाथ पैर सेकने में ठंड की वजह से जो दिक्कत है, अपना हाथ पैर सेक के आगे पीछे जहाँ जिनको जाना है यात्रा करें। और इसी तरह की दिक्कत है जो सरकार को अपनी मद्देनजर ध्यान में रखना चाहिए। आपका नाम? मनीष यादव।